हरी मिर्चें चॉप कर ली, उनका पेस्ट। हाँ पेस्ट नहीं कहेंगे, चॉप। अभी बीच में सामान सजाएंगे। कुरान पाक है ये, मेरा तर्जुमा वाला कुरान पाक है। मजम्मिल स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर, इनकी तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, सो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खुश आबाद होंगे। तो मैं जो है जा रही हूँ अम्मी के घर, संडे का दिन है तो अम्मी के घर जा रही हूँ, और वहाँ सुरे मुजम्मिल भी है, कहा तो था आप इन्हें रात में, अब देखते हैं घर जाकर। तो बस यहाँ से निकल रही हूँ, लाइट भी ऑलरेडी जा चुकी है, तो बस प्लग ऑफ करूँगी और ताला लगा के चलते हैं। काफ़ी धूप हो रही है यार आज तो। अब यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ, सांस फूल रहा है टाइट वाला, तो बस चलते हैं फटाफट अंदर। बजाते हैं दरवाज़ा, खोलो खोलो, खोल रही है, मैं बताऊँ। पागल हो गई, पागल, क्या गंदगी हो रही है यहाँ पे, क्या हुआ है? अम्मी फैला दी, क्यों फैला कर गई, कहाँ गई हो? चाबी वाले से बुलवा के चाबी बनवा ली है इन लोगों ने। हाँ देखो, आने का आते ही आपको दिखाऊं, बहुत अच्छे से उन्होंने वो कर लिया। अभी ये बीच में सामान सजाएंगे। आज स्कूल की भी छुट्टी है। हाँ यहाँ पर मेरे अल्लाह ताला की कुरान पाक है, ये मेरा तर्जुमा वाला कुरान पाक है, और ये मेरा नॉर्मल कुरान पाक है। अल्लाह ये उल्टा रखा हुआ है, सॉरी, इसको सीधा। माशाल्लाह से जो है यहाँ पे शुरू हो चुका है मुजम्मिल, तो सबसे पहले अक्सा बैठी है और अब जाएगी अक्सा, मैं जा रही हूँ पढ़ने और मेरे साथ जो है पढ़ने वाली हैं गुगु। तो आहिस्ता आहिस्ता सब नमाज़ पढ़ के आगे बैठ रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं सूरह मुजम्मिल। चिकन पुलाव ठीक है, अब समझ में आ गए, चना चिकन विद पुलाव, जो भी अलग अलग पुलाव बन रहा, कुछ भी बनता है। तो आप इसमें पहले आपने क्या क्या डाला ये बताएं। मैंने अभी तक सिर्फ इसमें चिकन बॉयल डाला है, यखनी बना बॉयल करके करा आपने, ये भी यखनी निकाली है, ये भी यखनी, आपने चिकन बॉयल किया है। हाँ तो ये भी यखनी, यखनी पूरा बॉयल किया है क्या? हाँ यखनी डालूंगी। ओह, और इसके अंदर जो है ना, पहले आपने चिकन डाला, नहीं पहले ऑयल डाला होगा, ऑयल में लहसुन अदरक, ऑयल में लहसुन अदरक, फिर टमाटर, चिकन थोड़ा सा टमाटर और ना हरी मिर्चें चॉप कर ली, उनका पेस्ट। हाँ पेस्ट नहीं कहेंगे, चॉप। हाँ और ये डाल के, और गरम मसाला एक स्पेशल होता है पुलाव का, स्पेशल गरम मसाला वो डाला है। मैं तवे पे बनाती हूं स्पेशल, वो क्या कहते हैं, वो मसाला। मैंने अल्तावक्कल वाले की वीडियो बनाई थी ना, तो मैंने थोड़ा बहुत उसके जो ना नोटिस किया था, क्योंकि मैं वहीं खड़ी हुई थी, मैं लेने गए थे, तो मैंने वो जो है ना सारा टिप्स में डाला है। सिर्फ इसमें लेमन नहीं है, वो लेमन भी डालते हैं, कस्तूरी मेथी, तो दोनों मेरे पास इस वक्त ख़त्म हो चुकी है, और मैंने कहा जो भी फ़िलहाल है उससे बना दो, लेमन और कस्तूरी मेथी भी इसी टाइम पे जो है ना डलता है, और बहुत ज़बरदस्त लगता है लेमन बारीक बारीक काट के, कस्तूरी मेथी बहुत ही ज़बरदस्त लगता है अल्तावक्कल वालों का पुलाव।
उस पे ये जो है ना, ये देखो जी हरी मिर्चों का वो डाल दें, क्या कहते हैं, हरी मिर्च डाल दें इस तरह से चॉप करके, ठीक है ना। ओ जी। और इसके बाद क्या करेंगे हम? उसमें ये पुदीना भी डाल दें, बट मैं अफसोस की बात है पुदीना भी नहीं लेकर आया तुम लोग। हाँ, तो उन्होंने गंदे कर दिए पौधे पूरे। ये तीन चीज़ें नहीं है इसके अंदर, बाकी तो जो है ना सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। देने वाले देखेंगे तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, सो रहे हैं। उठते ही सबसे पहले उन्होंने शावर लिया और शावर लेके दुखा और तबीयत बहुत ज़्यादा निढाल हो रही है इनकी। तो बस अभी कोशिश करते हैं, हिम्मत करते हैं और फिर इनको लेके जाते हैं डॉक्टर के। मैं जा रही हूँ उनके साथ, हिम्मत नहीं हो रही बाइक चलाने की, लेकिन करना तो है ना। तो बस खैर से अभी जा रहे हैं, लेके जाती हूँ मैं। शावर ले लिए थे उन्होंने दोपहर में, ताकि जो है क्या कहते हैं नीम गर्म पानी से, ताकि जो है ये जो तबीयत में नज़ाकत हो रही है वो सेट हो जाए। तो फिलहाल जल्दी से बस मैं रेडी होती हूँ, माया पहनती हूँ वो, तो फिर लेके चलते हैं, उठाती हूँ उन्हें। ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, कुछ भी नहीं खा रहे, कुछ भी नहीं पीना, खड़े ही नहीं हो पा रहे, इतनी ज़्यादा मतलब वीकनेस हो रही है। तो चलते हैं डॉक्टर के पास, देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं इनको। हिम्मत करके डॉक्टर के चले गए हूँ मैं, साथ गई और इनकी जो है बारी आ चुकी थी, अब ये जा रहे हैं डॉक्टर के पास। तो बस यहाँ से जो है डायरेक्ट हम घर गए। तो वहाँ ये लोग सब खाना खा के जा चुके हैं, खाना खा लिया है। और असल में सुबह इन लोगों ने मुजम्मिल करवाई थी, और जो है मुजम्मिल करवाया था और यहाँ खाना, उनके घर में गैस चली गई थी, तो खाना जो है फिर उन लोगों ने कहा, मैंने कहा चलो मेरे घर तो गैस आ रही, कोई टेंशन नहीं, मैं अपने घर में बना लूँगी। तो जो है ना खाना यहाँ बनाया मैंने। उमेर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी दोबारा शाम में, जब पानी वगैरह भर के आया तो उसके बाद शाम में दोबारा ख़राब हुई। रात में थोड़ी ख़राब हुई थी, इसके बावजूद वो जो काम पर चले गए थे वहाँ से, फिर होकर आए काम पे से होकर आए, और आते ही जो है थोड़े से रेस्ट वगैरह किया, उसके बाद फिर तबीयत ख़राब हो गई। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी टेंशन हो गई है। तो अभी जो है ना वो जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा मुझे थकावट भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो नीम गर्म पानी से उन्होंने ले लिया है शावर, और फटाफट शावर लेके और अब जो है वो अपने बनेगा, अच्छे से बाल ड्राई कर लो ताकि परेशानी ना हो, उसके बाद अभी चले गए हैं सोने के लिए खैर से। तो मैंने कहा चलो आप रेस्ट करो, तब तक मैं जल्दी से फटाफट से अपनी वीडियो एंड कर देती हूँ, यहाँ पे मैं करती हूँ वीडियो एंड। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को जिन्होंने किया हुआ है, और वीडियो लाइक कर दो, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ वो जल्दी से जल्दी है जाके है वो वीडियो लाइक कर दो, और जो है मेरे चैनल को सपोर्ट करो प्लीज़, आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब उमेर के लिए दुआ करो कि उमेर की तबीयत ठीक हो जाए खैर से, बाबा की तो तबीयत ठीक होगी, डॉक्टर पीलिया बता रहे हैं उनको कि पीलिया हो गया, पीलिया बहुत चल रहा है। तो बस सब दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी तबीयत बहुत जल्द खैर से ठीक कर दे। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।